Fresh and welcome back to my channel. तो आज जोधपुर में हमारा दूसरा दिन है. आज हम यहाँ के लोकल फूड ट्राई करने वाले हैं और थोड़ी सी साइट सीइंग भी करेंगे. तो कीप वॉचिंग और अगर आपने पहले दिन की वीडियो ना देखी हो तो उसे भी जरूर देखिएगा. आ चुके हैं हम अपने पहले स्टॉप पे जिसको कहते हैं अरोरा चाट भंडार. ये है सरदार मार्केट के सामने. नई सड़क की गलियों में चलते चलते अब हम आए हैं राजू नमकीन भंडार, जहाँ पे हम मिर्ची के पकौड़े ट्राई करने वाले हैं. कैसा है? अनक चौक से निकल के अब हम कहीं आगे की तरफ जा रहे हैं जहाँ से पूरा सिटी का व्यू दिखता है. सो लेट्स सी. सिटी का व्यू लेने के लिए हमको इन सीढ़ियों पे चढ़कर काफी ऊपर तक जाना होगा. आधी दूर की चढ़ाई कर ली है हमने और अभी हमें वहां तक चढ़ के जाना है जहां पे आप देख सकते हैं पीछे की तरफ जो किला दिख रहा है वो है मेहरानगढ़ का किला. हम थक चुके हैं इतना चल चल के. ये है हमारी मंजिल की आखिरी कुछ सीढ़ियां. तो फाइनली हम टॉप पे पहुंच गए एंड द व्यू इज रियली ब्रेथ टेकिंग. एज इन ब्रेथ टेकिंग. लंच के लिए हम आए हैं जोधपुर के फेमस रेस्टोरेंट जिप्सी रेस्टोरेंट में. तो ये जगह मशहूर है अपनी राजस्थानी थाली के लिए. तो चलिए अंदर चलते हैं. अपने नेक्स्ट और आखिरी स्टॉप पे जो कि है उमेद भवन पैलेस. तो महाराजा उमेद सिंह ने इस पैलेस को बनाया था. उन्हीं के नाम पे इस जगह को उमेद पैलेस कहते हैं. इस पैलेस में करीब 347 कमरे हैं एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये होटल कम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है. तो ताज होटल एंड ग्रुप्स वो मैनेज करते हैं इस प्रॉपर्टी के कुछ एरिया को एंड अभी भी यहाँ पे राज परिवार के कुछ लोग रहते हैं. एंड अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस पैलेस इज कि प्रियंका चोपड़ा की शादी भी इसी पैलेस में हुई थी. Thank you.
इस पैलेस का कुछ हिस्सा ही टूरिस्ट के लिए ओपन है और एंट्री फीस है ₹30। जोधपुर में हमारा 2 दिनों का सफर आज यहीं खत्म होता है। काफी कुछ है इस नीली नगरी में देखने को, तो अगर आपको कुछ अलग एक्सप्लोर करना हो तो जोधपुर जरूर आएं।